नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडीजी न्यूज में। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण जो कि विष्णु जी के 8वें अवतार थे, उनका जन्म उत्सव है। कृष्ण जी के भगवत गीता उपदेश में जैसा कि जनमानस को बताया गया है कि जीवन क्या है, इस बारे में उन्होंने भगवत गीता में बातें बताई हैं। आज जन्माष्टमी ना ही सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के बहुत सारे देशों में मनाई जाती है। श्री कृष्ण जी ने अपना अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में अपने मामा कंस के कारागार में लिया था। जी हाँ, उनका जो जन्म हुआ था वो कंस के बंदी गृह जिसे जेल कहा जाता है उसमें हुआ था, और वो भी रात के ठीक 12 बजे। माना जाता है कि श्री कृष्ण जी ने स्वयं अवतार लिया था कंस के विनाश के लिए। उस समय एक कहानी प्रचलित है कि कंस ने जब अपनी बहन का विवाह कराया तब एक आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बहन का 8वीं संतान तुम्हें तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। तो इस कहानी पे कुछ जानने के बाद जिसको जानने के बाद कंस ने तुरंत उन्हें कारागार में डलवा दिया, और जितने भी उनके बच्चे होते जाते थे वो उसको एक एक करके मारता जाता था। जब उनकी 8वीं संतान हुई जो कि श्री कृष्ण जी थे, तो उसमें उससे पहले माता जी ने अवतार लिया। और माना जाता है कि जब वो कंस वहां पहुंचा बंदीगढ़ में और कंस ने देखा तो उसने कहा ये तो एक लड़की है, ये मेजे कैसे मारेगी। लेकिन कहते हैं ना, सुरक्षा के लिए उसने उसे मारने की कोशिश की। जैसे ही उसने उस बालिका को मारने की कोशिश की वो आकाश में उड़ गई और वो बोली कि हे कंस, तुम मुझे मार नहीं सकते और तुम्हें मारने वाला ऑलरेडी जन्म ले चुका है, तुम्हारा अंत निश्चित है। फिर इसी तरह वो एक अलग जगह पे पले बड़े बड़े हुए और लास्ट में आके उन्होंने कंस का वध कर दिया। तो ये कहानी मानी जाती है, कई लोगों ने सुनाई है, कई लोगों से सुनी होगी आपने। तो अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशली कृष्ण जी का जन्मदिन है, जिसमें हम कृष्ण जी की झांकियां सजाते हैं, व्रत रहते हैं, प्रसाद वगैरह बांटते हैं और शहर में देश में कई जगह हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र वगैरह में आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े उत्सव होते हैं जिसमें मटकी फोड़ने का रिवाज होता है। लोग टोलियों में आके मटकी फोड़ते हैं, उसपे राशियां भी होती हैं, जिस इनामी राशियां जिसपे आप जाके इनाम ले सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके से मनाया जाता है, और जितने भी शहर है उन सभी के प्रमुख मंदिरों में हो, कई अन्य स्थलों पे झांकियां सजाई जाती हैं, श्री कृष्ण की जी के जीवन का वर्णन किया जाता है। तो इसी हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जाता है। ये बहुत एक विचित्र बात है कि श्री कृष्ण जी का जो जन्म हुआ वो रात्रि 12 बजे हुआ और एक बंदी गृह में हुआ। और जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो उस बंदी गृह के जितने रक्षक थे, जिन्हें पहरेदार कह सकते हैं या सिपाही कह सकते हैं, वो अपने आप ही बेहोश हो गए और बंदी गृह का दर्जा खुल गया। तो वासुदेव जी जो इनके पिताजी थे वो इन्हें लेके अपने दोस्त नंद लाल जी की तरफ बढ़े। तो यमुना पार करनी थी, उस समय यमुना का जो उफान था वो काफी ज्यादा था और बारिश भी काफी तेज थी। तो एक दलिया टाइप की कह सकते हैं जिसमें उन्होंने अपने सर पे रख के पूरी यमुना पार की। माना कथाओं में ये भी माना जाता है कि यमुना जी श्री कृष्ण जी के चरण छूना चाहती थी, इसलिए वो इतने उफान पे थी। और उसी वक्त उनके जो शेषनाग जी हैं जिसपे विष्णु जी सवारी बैठते हैं शेषय्या पे, और शेषनाग जी ने भी उनको बारिश से बचाव के लिए उनके ऊपर आ गए थे।
ये कई जगह आप झांकियों में जाएंगे, कई फोटोज में आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा। ये काफी अच्छा लगता है ध्यान के कि हाँ हमारे देश में इतनी सारे भगवान आए, उन्होंने ऐसा किया। आज मैं आपको इस बारे में कहानी इसलिए बताऊं कि मैं चाहता हूं कि हम सभी को ये चीज सीखनी चाहिए। हम कहाँ जन्म लेते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, ये मायने नहीं रखता। हम अपने क्या कर्म करते हैं, वो कर्म हमारे इंसान के क्या फल देते हैं, लोगों को कैसे हम ट्रीट करते हैं, ये मायने रखता है। श्री कृष्ण जी सांवले थे, काले थे, पर इस बात का कोई वो नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी ने सभी को प्रेम व्यवहार सिखाया। सच मायने में कहा जाए तो प्रेम की परिभाषा जो दी गई, जिसे आजकल लोग कहते हैं प्रेम, हम कहते हैं ये है वो है, वो असली परिभाषा श्री कृष्ण जी ने ही दी। भगवत गीता में उन्होंने पूरा जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन के क्या आदर्श होने चाहिए, कभी कोई दुविधा है तो क्या करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में श्री कृष्ण जी ने खुद बोला गीता में। तो मैं चाहूंगा कि आज के दिन हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि हम भी अपने जीवन को एक सार्थक रूप देंगे, ये नहीं कि बेवजह चलते चले जा रहे हैं, एक मायने देंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि हाँ लोग हमें भी जाने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद।